पहले हैदराबाद की दिशा के साथ हैवानियत और फिर उन्नाव की निर्भया के साथ दरिंदगी की घटनाओं से देश का गुस्सा पूरे उबाल पर है। लोग रेप के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं हंगामा हो रहा है तो कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच 7 साल पहले दिल्ली की सड़क पर हैवानियत का शिकार बनी निर्भया और उसके परिवार को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। दिल्ली के निर्भया का हत्यारा सजा से बचने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रहा है। 2012 के निर्भया गैंगरेप मर्डर केस के 4 गुनहगारों में से एक विनय शर्मा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि उसकी ओर से दया की जो याचिका दाखिल की गई है उसे तुरंत वापस किया जाए। विनय ने दावा किया है कि याचिका में ना तो उसके दस्तखत हैं और ना ही उसने किसी को अधिकृत किया था, इसमें तथ्य छिपाए गए हैं। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने दया याचिका में दस्तखत न होने की बात को झूठा बताया है। और विनय ने साफ तौर पर, विनय शर्मा ने अपने हैंडराइटिंग में लिख के एक लेटर दिया है जिस पर अंगूठा लगाए हैं, साइन किए हैं, अपनी सब उंगलियों के अंगूठे लगाए हैं, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा लिखा है कि मैं विनय शर्मा सनफ हरिराम शर्मा, मैं निर्भया केस में सजायाप्ता कैदी हूं तथा जेल नंबर 4 में हूं। आज दिनांक 6/12/19 तक मैंने कोई दया याचिका राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्रालय व दिल्ली सरकार के यहाँ नहीं लगाई है। मीडिया विनय ने अपने वकील के जरिए राष्ट्रपति को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार के साथ साजिश करके बदनीयती से ये दया याचिका भेजी थी। उसने कहा कि उसके कानूनी विकल्प अभी खत्म नहीं हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं की है, ऐसे में इस दया याचिका पर कोई फैसला ना लें। जनवरी में चुनाव होने हैं और उन्हें फिर से वही पहले वाली निर्भया की सहानुभूति लेकर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सारा प्लान बनाया। मैं उनके सारे प्लान का खंडन कर रहा हूं, क्लाइंट ने हमारे खंडन कर दिया। दरअसल दिसंबर 2012 में दिल्ली की सड़क पर चलती बस में निर्भया से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में एक आरोपी ने जेल में खुदकुशी कर ली थी, लेकिन बाकी 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। तीनों दोषियों ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई, जबकि विनय शर्मा इस मामले में दया याचिका दायर करने वाला एकमात्र दोषी है। तिहाड़ जेल का दावा है कि दया याचिका पर न सिर्फ विनय के साइन थे बल्कि उसका अंगूठे का निशान भी है और जल्द ही विनय के झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।